नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। एंड मैं आप सबका मैथ्स बाबा। आज 10th क्लास करने वाले हम पॉलीनोमियल्स डिस्कस। छोटा सा चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से देखना लेक्चर को। जय माता दी, जय गुरु जी। पॉलीनोमियल्स क्या होते थे, याद होगा? मोटी मोटी बात हमने डिस्कशन की हुई है। ए एक्स की पावर एन, बी एक्स की पावर एन माइनस वन, एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है जी। प्लस यहां पे कोई कांस्टेंट लिख दो इस फॉर्म के अंदर, वेयर एक्स इज अ वेरिएबल एंड पावर इज ऑलवेज होल नंबर। इसकी जो वेरिएबल की पावर होती है वो होल नंबर होती है, ठीक है। तो मोटी बात ये है कि अगर मैंने यहां लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये एक पॉलीनोमियल है, इसकी पावर डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है, टू। अगर मैंने यहां लिखा एक्स प्लस वन बाय एक्स, सो दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल, नॉट अ पॉलीनोमियल। क्यों? यहां पे 1 बाय एक्स हो गया, तो ये बन गया x की पावर माइनस वन। मेरी पावर क्या होनी चाहिए? हमेशा पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। अगर मैंने यहां लिख दिया x की पावर 100 प्लस x की पावर 99 प्लस 2 अपॉन x की पावर 98, नॉट अ पॉलीनोमियल। ये दोनों तो ठीक है, बट ये पावर क्या ले आया? नेगेटिव पावर ले आया, ये पॉलीनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी यहाँ पे 9th क्लास में, सॉल्यूशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस या फिर रूट्स ऑफ अ पॉलीनोमियल। वो वैल्यू जो आप x की जगह, अब यहां पॉली वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, x, y, z, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है ना। जो आप x या जो भी वेरिएबल है, आप वेरिएबल की जगह पुट करोगे एंड वैल्यू बिकम्स एंड आंसर बिकम्स जीरो, उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल। क्या मतलब है? मोटी मोटी बात अगर देखें सरल भाषा के अंदर, जिसको हम कहते हैं, मैंने यहां लिखा 2x प्लस 3 इज इक्वल 2x प्लस 3, ये एक फंक्शन है, ये एक पॉलीनोमियल है f of x। अब इसका जीरो क्या होगा, इसका रूट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जब x की वैल्यू यहां पे माइनस 3 बाय 2 डालूंगा, इसमें एफ एक्स की वैल्यू का डालूंगा माइनस 3 बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स की वैल्यू माइनस 3 बाय 2 डालने पे मेरा आंसर क्या आया? जीरो। तो इसको हम क्या बुलाते हैं? जीरो या रूट या सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलीनोमियल। इतनी इंग्लिश समझ आनी चाहिए। ये वैल्यू को जब आप इसमें डालोगे तो आंसर जीरो बन गया, तो इसको अब हम इंग्लिश में बुला सकते हैं जीरो, रूट या सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलीनोमियल। अब जितनी डिग्री उतने रूट्स, जितनी डिग्री उतने रूट्स। ये क्या था? लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल था। इसकी डिग्री क्या थी? वन। सॉल्यूशन भी कितने हैं? वन। अब अगर मैं यहां लिख देता क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है जी। अब ये एक पॉलीनोमियल है, जीरोस कैसे निकालेंगे? इसको इक्वेट कर दिया जीरो के साथ,
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बचपन में सीखी थी, थोड़ी थोड़ी याद होगी। एक्स कॉमन एक्स प्लस थ्री, यहां से टू कॉमन एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू आ गया, एक्स प्लस थ्री आ गया, दो फैक्टर्स आ गए। अब या तो ये जीरो है तो एक्स की वैल्यू माइनस टू, या फिर ये जीरो है तो एक्स आ गया माइनस थ्री। तो माइनस टू एंड माइनस थ्री, इन दोनों को क्या बुलाते हैं, जीरोस या रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलीनोमियल। इस पॉलीनोमियल के हमें जीरोस फाइंड करने थे, सॉल्यूशन फाइंड करने थे, रूट्स फाइंड करने थे, तो वो ये दोनों वैल्यूज है। अब इसकी डिग्री क्या है, दो। इसके आंसर भी कितने आए, दो। दो डिग्री में चार आंसर नहीं आएंगे, छह नहीं आएंगे, दो ही आएंगे। वो दोनों सेम हो सकते थे बट आएंगे हमेशा दो ही, क्लियर। अगर ये डिग्री थ्री होती, अब मैं यहां क्वेश्चन पूछता, मैं यहां लिखता एक हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल ऑफ एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो भैया सीधा सीधा लिखूंगा, हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल, हाईएस्ट पावर कितनी है, फोर, तो सॉल्यूशंस या आपका जीरोस या रूट्स कितने होंगे, चार पॉसिबल। अब पांच नहीं आ सकते इसके, छह नहीं आ सकते, सात नहीं आ सकते, चार ही आएंगे, क्यों, पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर फोर। तो जीरोस रूट्स सॉल्यूशंस का मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है, वो वैल्यू जो आप जब डालोगे पॉलीनोमियल के अंदर आंसर को क्या बना देगी, जीरो बना देगी, ठीक है। अब आप माइनस टू डाल के देखो, यहां पे ये बनेगा जीरो, माइनस थ्री डाल के देखो तो आंसर क्या बनेगा, जीरो बनेगा। देख लो यहां पे एक्स की वैल्यू जब माइनस टू डालोगे तो बन गया माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स, फोर माइनस टेन प्लस सिक्स जीरो। एक्स की वैल्यू माइनस थ्री डालो, नाइन माइनस पंद्रह प्लस सिक्स जीरो। सिर्फ यही दो वैल्यूज हैं जो इसमें पुट करोगे आंसर जीरो आएगा, उसके अलावा जीरो नहीं। क्लियर थी बात, ठीक है जी। ये हमारा पॉलीनोमियल है क्वाड्रेटिक, उसकी शक्ल ऐसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब कुछ रिलेशन होता है जो इनका हमेशा रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता, वो क्या है, सम ऑफ रूट्स, एसओ आर कहते हैं, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, so that is minus b by t, इसको product sum of root है। दूसरा होता है product of roots, p o r, constant upon coefficient of x, so that is c by t। ये universal such है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ हर इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक, किसी का पापा नहीं रोक सकता इसको, ठीक है, कोई रूलिंग कोई जजमेंट कुछ नहीं रही वो रोक सकता, ये यूनिवर्सल सच है हमारी जिंदगी का।
बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, इसको हम ये बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है जो पेपर में बड़ा कॉमन है, फाइंड जीरोज ऑफ एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। ये क्वेश्चन है जो सबसे कॉमन है इसके अंदर से पेपर में, जो आना ही आना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए। सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? इसके जीरोस निकाल के तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व जीरो के इक्वेट कर दिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इन दोनों में से एक्स कॉमन, यहां से थ्री कॉमन, सो एक्स प्लस फोर एक्स प्लस थ्री दो जीरो, तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू माइनस फोर और यहां से आ गया x इज इक्वल टू माइनस, तो जीरो क्या क्या आ गए, जीरो आर माइनस फोर एंड माइनस, ठीक है। वेरीफाई कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व वेरीफाई, जब इसको आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो a आ गया 1, b आ गया 7, c आ गया बाउजी, यहां सम ऑफ रूट्स कितना आया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस b अपॉन माइनस सेवन अपॉन वन माइनस, ठीक है। हमारे जीरोस क्या थे, माइनस फोर एंड माइनस थ्री, ठीक है। सो क्या बना, माइनस फोर प्लस माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस सेवन, हेंस वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बना, सी अपॉन ए कॉन्स्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां कॉन्स्टेंट क्या है 12, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस फोर इंटू माइनस थ्री, hence very, कि वाकई में जो हमारे पास जीरोज आए उनका जो प्रोडक्ट लिखा और जो यहां इस फॉर्मूले से लिखा, जो इनका सम लिखा और जो फॉर्मूले से हमने सम निकाला, वो दोनों के दोनों क्या है, सेम। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है, बिकॉज इस बार सिलेबस वैसे ही रिड्यूस हो गया आपका, यही एक क्वेश्चन है जो पेपर में आए। उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, इस तरीके से करना है। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, आई होप ये बात समझ आएगा। अब इसी के अंदर और क्या टाइप बन जाती है, करें आगे करें, इसको रख कर रहा हूं मैं, ठीक है गाइस। सिर्फ ये लिखते हैं 8x स्क्वायर माइनस 12। बच्चा कहता है सर ये अब कैसे क्वाड्रेटिक है, देखो क्वाड्रेटिक ये x स्क्वायर तो है ना, सो 8x स्क्वायर माइनस 12 इज जीरो, ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही नहीं है, बल्ले बल्ले हो गए। x स्क्वायर कितना आ गया 12 बाय 8, x स्क्वायर कितना आ गया 3 बाय 2। अब यहां बच्चे क्या लिख देते हैं, x इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू, ये पाप है, नहीं करना है, गलत हो जाए। करेक्ट मेथड है x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री बाय टू,
प्लस और माइनस लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज दोनों का स्क्वायर क्या होगा, तो ये अब हमें दो रूट्स दे रहा है, कौन कौन से, रूट थ्री बाय रूट टू एंड माइनस ऑफ रूट थ्री अपॉन, यहां से आप सिर्फ एक रूट लिखते हो और वो गलत हो जाता है, जो बच्चा करता है पेपर में, नहीं करना आपने। करेक्ट रूट्स दो निकलेंगे, क्यों, डिग्री दो है तो आंसर भी कितने होंगे, रूट्स भी कितने होंगे, सॉल्यूशन भी कितने होंगे, जीरोस भी कितने होंगे, दो, वो ये दो, ठीक है। अब वेरिफिकेशन, 8x² - 2, तो यहां पे a कितना हो गया, 8 ax² + bx + c वाली फॉर्म, b यहां पे तो x है ही नहीं, तो b कितना हो गया, 0, और c कितना हो गया, -2, x है ही नहीं यहां पे, x का कोएफिशिएंट यहां पे क्या लेंगे, 0। तो जब सम ऑफ रूट्स की बारी आई, सम ऑफ रूट्स क्या था, SOR क्या था, -b/POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था, c, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया यहां पे, -0.8 विच इज 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, -c/a, तो c कितना है, -12, ठीक है ना। हमारे रूट्स क्या है, रूट्स आर प्लस रूट थ्री अपॉन रूट टू एंड माइनस रूट थ्री अपॉन रूट, सम किया इनका, सेम है, एक प्लस में एक माइनस में क्या हो गया, 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो, रूट थ्री और रूट थ्री, थ्री आगे माइनस का साइन आ गया, रूट टू इंटू रूट टू, टू, तो देखो जो यहां लिखा वही तो हमारे आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, श्योर शॉर्ट गारंटी है, दुनिया इधर से उधर, तो इसको मिस नहीं करना है। कंसेप्ट आई होप समझ आया क्या आएगा, ठीक है, क्लियर गाइस। ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं, x² + 15x, अब यहां पे कॉन्स्टेंट नहीं दिया, अब देखना यहां क्या बच्चे बात करते हैं, 3x कॉमन निकला, x + 5, ठीक है, क्या है? तो ये एक फैक्टर 1 है, ये फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर्स, तो या तो 3x0 है तो x0/3 क्या हो गया, सी, या फिर x + 5 0 है तो x कितना आ गया, ये आपके क्या है, जीरोस, क्या है, जीरोस। बच्चे इसको भूल जाते हैं, ऐसे ना करो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, व्हाट पापी पीपल डू इन पेपर, 3x² = -15x, एक x और x काट दिया, 3x = -15, x = -, गंगा नहाना पड़ेगा बेटा, अगर आप ये करते, मैक्सिमम बच्चा ये करके आता है, क्यों, आदत पड़ी होती है, भैया नहीं, कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, कितने जीरोस आएंगे, 2, जिसकी वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक एक्स की टर्म्स में है, तो एक्स को नहीं काट सकते, ये बेसिक रूल होता है जो हमें नहीं पता होता, जो हम करके आते हैं, तो ये करेक्ट मेथड है करने का, ये पाप मेथड है जो नहीं करना है, अवॉइड करना, ठीक है, दो जीरोज आए, 0 एंड माइनस,
अब वेरिफिकेशन, 3x² + 15x। तो जब इसको आप इसके साथ कंपेयर करोगे, a आ गया 3, b आ गया 15 एंड c आ गया 0, कांस्टेंट तो है ही नहीं यहां पे। तो योर सम ऑफ रूट इज -b/a इज -15/3 इज -5। योर प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c अपॉन a, माय c इज 0, तो 0 अपॉन समथिंग इज 0, आई गेट दिस। नाउ रूट्स आर, रूट्स क्या क्या है, 0 एंड माइनस। तो भैया इसका सम क्या हुआ, 0 + -5 इज -5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ, 0 × -5 इज इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड, खत्म। तीन नंबर श्योर शॉर्ट जेब के अंदर, क्लियर। आई होप इतनी बात समझ आई था। रूट्स क्या होते हैं, आज हमने एक चीज डिस्कस की, सबसे पहले तो ये बोला पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, रूट्स क्या होते हैं। हमारे को इस बार 10th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारी स्पेशलिटी है, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। आई होप इतनी बात समझ, ठीक है बच्चा पाटी। अगली चीज जो पेपर में आएगी वो क्या होती है, फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन। अब आपको यहां पे गिवन क्या है, आपको गिवन है एसओ आर एंड पी ओ आर। कहते हैं फाइंड क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दिस इज अ वन मार्क क्वेश्चन जो पेपर में आता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, SOR, तो सॉरी, तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज बेसिकली k टाइम्स ब्रैकेट x² - √(x+) वेयर k इज एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। ये कोई भी नंबर हो सकता है, जीरो नहीं होगा, इट कैन बी एनी कॉन्स्टेंट बेसिकली, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, एसओ आर इज 1/2, पीओ आर इज -1/2, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो भैया क्या होगा इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, के टाइम्स x² - √(x+) प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसको आप क्या लिख दोगे, के टाइम्स x² - 1/2 x - 1, दिस इज करेक्ट, और के टाइम्स 6 6x² - 3x - 2, ये भी ठीक है, और k/6 6x² - 3x - 2। और अब k/6 लिखो या इसको k ही रहने दो, भैया k तो कोई भी कांस्टेंट है, तो k/6 और k एक ही बात हुई, कांस्टेंट ही है ना, हमें तो वैल्यू नहीं पता।
इसको आप ऐसे भी, ये कोई भी टेक्निकली गलत नहीं है आंसर, ऑल द फोर आंसर्स आर करेक्ट। बेस्ट आंसर इनमें से लगता है ये दी बेस्ट, ये सेकंड बेस्ट, ठीक है। या तो आप उसको सॉल्व ही मत करो, या सॉल्व करना है तो तमीज से सॉल्व करो, ठीक है। मम्मा ये कहते ना, या तो काम ही ना कर, काम मत कर, वरना काम करना तो ढंग से कर। तो ये है अभी रॉ पड़ा, अब जब उसको सॉल्व करना है तो प्रॉपर एक सुंदर से कंसेप्ट में लिख के आएंगे, ठीक है जी। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू गेट पेपर के, बस एक नंबर का ये क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट है और वो वाला कंसेप्ट है, ठीक है। इसी आप एक्सरसाइज खत्म कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विल बी कवरिंग अप। डियर गाइस एंजॉय, जय माता दी, आई होप ये बात समझ आई सबको, थैंक यू।